दोस्तों, रात के अंधेरे में चमकते हुए जुगनुओं के लाइट को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। बच्चे इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वे इन्हें पकड़कर बोतलों में बंद कर लेते हैं या हाथ में पकड़कर उनका रुक रुक कर चमकना देखते रहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिए भी पहले जुगनू एक मिस्ट्री के जैसा था। वैज्ञानिक शुरू से ही यह जानने की कोशिश करते रहे हैं कि जुगनू के शरीर से लाइट कैसे और क्यों निकलता है। और जब इस पर रिसर्च किया गया तो इटली के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का वजह पता कर ही लिया। दोस्तों, जुगनू एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा है। इनका शरीर मुलायम होता है। इनका शरीर हल्के काले रंग का होता है। इनमें मेल और फीमेल दोनों के ही शरीर से लाइट निकलता है। इनके पेट के नीचे पीछे की ओर लाइट पैदा करने वाले अंग होते हैं। इन अंगों में लूसीफेरिन और लूसीफेरस नाम के दो पदार्थ होते हैं। जब लूसीफेरिन ऑक्सीजन से मिलता है तो लाइट निकलता है और लूसीफेरस लूसीफेरिन और ऑक्सीजन को मिलने में मदद करता है। लूसीफेरस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब कि यह एक एंजाइम है जो इन दोनों के केमिकल रिएक्शन में मदद करता है। अगर लूसीफेरस ना हो तो लूसीफेरिन और ऑक्सीजन कभी कंबाइन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, तो दरअसल होता ये है कि जब ये जुगनू सांस लेता है तब हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो लूसीफेरिन केमिकल के साथ कंबाइन हो जाता है। और जब लूसीफेरस लूसीफेरिन और ऑक्सीजन को कंबाइन करता है तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही हमें लाइट के रूप में दिखाई देता है। जुगनू से लाइट निकलने की क्रिया में हीट पैदा नहीं होती और इस प्रकार से लाइट पैदा करने की क्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। दोस्तों, जुगनू के बारे में कुछ खास बातें भी हैं जो आपको नहीं पता होंगे। दोस्तों, सिर्फ जुगनू ही एक ऐसा जीव नहीं है जिसके पीछे लाइट जलती है, बल्कि हजारों ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में लाइट जलती है, जैसे कुछ मछलियाँ, कुछ बैक्टीरिया और कुछ केकड़े भी इनमें शामिल हैं। दोस्तों, इन जुगनुओं के शरीर से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला, हरा या नारंगी हो सकता है। इस प्रकार का लाइट आज के वैज्ञानिक अपनी लैब में भी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, जुगनू आमतौर पर फूलों का रस पीकर जीवित रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जुगनू में सिर्फ रात के ही लाइट जलती है, लेकिन ये सच नहीं है। जुगनू में हमेशा लाइट जलती ही रहती है। इनके शरीर से लाइट रुक रुक कर यानी फ्लैशेस ऑफ लाइट निकलता है। पहले के जमाने में लोग बहुत सारे जुगनू को पकड़कर उसे एक शीशे के डब्बे में रख कर उसकी लाइट का इस्तेमाल अपने अपने घरों में किया करते थे। दोस्तों, मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर जुगनू लाइट क्यों पैदा करते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि मेल और फीमेल जुगनू एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए लाइट पैदा करते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसके लाइट को देखकर इसका शिकार करने वाले जीव इस पर डर के कारण हमला नहीं कर पाते। दोस्तों, प्रकाश पैदा करने का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये प्राणी रात को पेड़ों पर और आसमान पर टिमटिमाते हुए बरबस ही हमारा मन मोह लेते हैं। दोस्तों, पर यह कुछ दुखद है। विश्व पर्यावरण संरक्षण विभाग के एक सर्वे के अनुसार कीटनाशक दवाओं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जुगनू तेजी से लुप्त हो रहे हैं। इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। उम्मीद है दोस्तों कि हम इस प्राणी को भविष्य में भी सुंदर टिमटिमाते हुए दृश्य के साथ देख पाएंगे। आपका यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं।